नमस्कार दोस्तों, मैं कुबेर पाटीदार। अपन वीडियो की सहायता से देखेंगे कि प्राण कीट क्या है, मतलब प्राण कार्ड जो अपना बनकर आता है वो, और सीपीएफ नंबर दोनों में क्या समानता है, क्या अंतर है दोनों में। मतलब सीपीएफ और प्राण नंबर दोनों अलग अलग होते हैं। सीपीएफ नंबर जो होता है वो जीपीएफ ऑफिस, यानी कि जो अपने होम जिले के पर होता है, जीपीएफ ऑफिस वहाँ से प्राप्त होता है। और प्राण नंबर है वो एनएसटीएल बेंगलुरु से जारी होता है। सीपीएफ की फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोविडेंट फंड, और प्राण नंबर जो उसकी फुल फॉर्म है परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर। दोनों ही अलग अलग होते हैं। मतलब सीपीएफ नंबर जो 2009 के बाद जो कर्मचारी लगे हैं उन कार्मिकों के एक ही होते हैं, प्राण नंबर और सीपीएफ नंबर एक ही होते हैं। जो 2009 के पहले जो कर्मचारी लगे हुए हैं उनको सीपीएफ नंबर पहले अलॉट किए जाते थे और उनका प्राण नंबर अलग होता था। जैसे 2008 के कर्मचारी देख लो, उनका प्राण नंबर अलग है और सीपीएफ नंबर जो सेंट्रल प्रोविडेंट फंड है वो अलग है। उनकी जो एनपीएस की डायरी होती है, नॉन पेंशन स्कीम जिसको बोलते हैं, इस पर सीपीएफ नंबर अलग होता है जो 12 डिजिट का होता है वो भी, और प्राण नंबर भी 12 डिजिट का होता है। आप इसको देख सकते हैं, अपना सीपीएफ नंबर जो अभी सैलरी स्लिप होती है उसमें भी सीपीएफ नंबर ही ज़्यादातर होता है, तो उसको आप आसानी से देख सकते हैं। ये दोनों अलग अलग होते हैं। एनपीएस की कटौती का जो पैसा होता है वो एनपीएस के अकाउंट में जब अपनी पेंशन होती है, जब वो अपन को जो कार्ड बनता है उस कार्ड के आरण से कार्ड के मतलब सहायता से आरण किया जाता है। ऐसा अभी सिस्टम में भी आया नहीं है, मतलब प्राण कार्ड बनकर आ गया है। जैसे आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कार्ड, प्राण कार्ड है ये। इसकी डेफिनेशन बताने के लिए, मतलब उसके बाद में परमानेंट रिटायरमेंट जो नंबर होता है वह अपना, मतलब रिटायरमेंट जब होता है तब उसमें से उस समय वो काम आता है। तो इस तरीके से आप इसमें देख सकते हैं, अगर आप 2009 के कर्मचारी, 2009 के बाद के कर्मचारी हैं तो आपका प्राण नंबर और सीपीएफ नंबर सेम होगा, और अगर आप 2009 के पहले के हैं तो सीपीएफ नंबर 12 डिजिट का अलग है और प्राण किट नंबर जिसको प्राण कार्ड नंबर बोलते हैं वो भी दोनों में अलग अलग है, जो दोनों ही 12 डिजिट के हैं लेकिन दोनों में, मतलब दोनों ही नंबर अलग अलग हैं। ओके मित्रों, जिसे ही नई जानकारी आएगी आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी। मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपने पहले से सब्सक्राइब करके रखा हुआ है तो बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, ताकि मेरा वीडियो जैसे ही चैनल पर अपलोड होता है नया, तो आपके मोबाइल नोटिफिकेशन में ज़रूर बता देगा। थैंक्स।